पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को। चिड़ियों को क्या डालते हो? दाना डालते हो। कुछ लोगों ने तो अपना घर चिड़ियाघर बना लिया, इतना दाना डालते हैं, वहां पानी रखते हैं और हमारे घर जो भी आ जाए उसे भोजन देते हैं। चींटी निकल आए तो क्या करते हैं बोलो? चींटी निकल आए तो हम आटा डालते हैं। आजकल डालते हो? ना ना ना, आजकल तक लक्ष्मण रेखा खींच, सारी मर जाएंगी, एक भी नहीं रहेगी। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका उत्तर समझने का प्रयास करना। एक जंगल है, जंगल में हरी भरी घास है, इस घास को खाने वाला हिरण रहता है और हिरण को खाने वाला शेर रहता है। तीन चीजें बताई, जंगल, हरी घास, हिरण और शेर। अगर यकायक किसी जादू से इस जंगल की सारी घास खत्म कर दूं मैं, तो कौन मर जाएगा? दोनों मर जाएंगे, हिरण भी मर जाएगा और शेर भी मर जाएगा। इसीलिए याद रखो, हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि इकोसिस्टम कितना जरूरी है, परितंत्र कितना जरूरी है और उस परितंत्र को बचाना कितना जरूरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह परितंत्र के भीतर जिंदा रहता है। कुछ पशु पक्षी भी इसी के परितंत्र में जिंदा रहते हैं। आजकल एक बहुत बुरी परंपरा चली है और वो परंपरा है वीगन। कैसे लोग होते हैं वीगन? ये वीगन क्या होते हैं? ये वीगन कहते हैं गाय के दूध और उससे बने सारे उत्पाद मनुष्य के लिए निषिद्ध हैं, खाने नहीं चाहिए। अगर तुम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि गाय का दूध और उसके उत्पाद जो है वो मनुष्य का भोजन नहीं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले देखो, गाय दूध पैदा करती है अपने बछड़े के लिए, और जब अपने बछड़े के लिए पैदा करती है दूध, तो तुम उसके बछड़े का दूध पी जा रहे हो, ये कहां की मनुष्यता है? ये तो बुरी बात है। तुमने कहा कितना समझदार आदमी है, कितना समझदार है। लेकिन बंधुओं ध्यान से सुनो मेरी बात, जंगल में भी गाय रहती है, हाँ के ना रहती है कि नहीं? नील गाय, गवाय रहता है, गवाय। नील तो गाय तो नहीं है वो, उसे गवाय बोलते हैं। वो भी बच्चा जनता है, अपने बच्चे को दूध पिलाता है। कितना दूध देता है? जितना उसके बच्चे के लिए पर्याप्त है, उससे ज्यादा दूध वो नहीं देता। लेकिन हमारे घरों में रहने वाली गाय कितना दूध देती है? हैं? कुछ लोग दूर से आए होंगे, वो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का परिचय प्राप्त करो कि यहाँ 40 और 50 लीटर दूध देने वाली गाय और भैंस होती हैं। इतना दूध देने वाली गाय भी होती हैं, 20 लीटर 15 लीटर दूध देने वाली तो आम होती हैं। लेकिन क्या उसका बछड़ा लीटर 2 लीटर दूध पी जाएगा? पी जाएगा 2 लीटर से ज्यादा, 3 लीटर, 4 लीटर? और रोज 10 लीटर पिलाओगे तो 2 समय पिला लो और तीसरे समय बछड़ा ले लो, कुछ नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। वो दूध उसकी कोख में परमात्मा ने उत्पन्न ही इसलिए किया है, प्रकृति ने उत्पन्न ही इसलिए किया है, क्योंकि वो मनुष्य के साथ जीने वाला एक साझा प्राणी है। और इसी गाय को आजकल तो ये हो रहा है, ईमानदारी से बताओ, इस गाय को अगर खुला छोड़ दें तो ये जंगल में जाती है कि वापस भाग आती है? ये मनुष्यों के बीच में रहती है। कुत्ते कहां रहते हैं? मनुष्यों के बीच में रहते हैं। ये वे लोग हैं जो मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। इनमें से एक भी प्राणी का अगर तुम भरण पोषण नहीं करते हो तो समझो तुमने पूरे इकोसिस्टम को धक्का दे दिया। और ये सीखते किससे हो? ये अपनी माँ से सीखते हो, अपनी नानी से सीखते हो। ये परंपरा है, परंपराएं बहुत जरूरी हैं और शिक्षा हमें परंपरा से प्राप्त होती है। शिक्षा किससे प्राप्त होती है हमें? परंपरा से। ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा को हमें उत्पन्न करना होगा, जो परंपराओं की उद्भावक शिक्षा है।